क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, और उसके एन टर्म्स का सम बताना है। 7 टर्म्स का सम गिवन है, तो देखिए 7 टर्म्स के सम को हम लिखते हैं S7, और वो हमें गिवन है 49। ठीक है जी, Sn का फॉर्मूला जो होता है हमारा वो होता है n by 2 2a plus n minus 1 into d। देखिए यहाँ n की जगह मैं 7 पुट कर रहा हूं, तो यहाँ पर जितने भी इक्वेशन में इधर से राइट साइड में n आएगा ना, तो उसकी जगह हम 7 पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a plus 7 minus 1 into d हमारा ऐसे रहा, और इक्वल टू हो जाएगा 49। ठीक है, ये 2 इधर अपॉन में था, वो क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा, 7 अपॉन में चला जाएगा, तो यहां बचेगा सिर्फ 2a प्लस 6d इक्वल टू, तो वो जाएगा 49 मल्टीप्लाई 2, ये 2 क्रॉस में ऊपर गया, 7 अपॉन में आ गया, 7 जा 49, तो देखिए कितना बचा, 2a प्लस 6d इक्वल टू 72 जा 14। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हमसे कहा गया था कि 17 टर्म्स का जो सम है ना वो 289 है, तो 17 टर्म्स को हम लिखेंगे S17 इस तरह से, और वो सम दे रखा हमारा 289। तो जहां जहां पर n है ना वहां वहां पर हम क्या पुट करेंगे, इस बार 17 पुट करेंगे, क्योंकि 17 टर्म्स का सम दे रखा है, तो इसे लिखेंगे हम 17 अपॉन 2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 289। ठीक, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा, 7 अपॉन में जाएगा, तो कितना बचेगा सिर्फ 2a प्लस 16d इक्वल टू 289 मल्टीप्लाई 2 और अपॉन में आ जाएगा 17, 17 वन जा 17 और 17 जा 289 होता, 17 का स्क्वायर होता 289, तो यहां 17 बार कट जाएगा ये, तो ये बचेगा 2a प्लस 16d इक्वल टू 72 जा 34। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक, हमारी दो इक्वेशन मिल गई, वो पहले वाली इक्वेशन में भी ए और डी वेरिएबल है, दूसरे में भी ए और डी वेरिएबल है, दोनों को सॉल्व करते हैं। देखिए ए का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 2, यहाँ भी हमारा एक कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो इन दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे लिख रहे हैं। देखिए पहले वाले इक्वेशन मैंने लिख दी 2a plus 6d equal to 14, और ये सेकेंड वाली इक्वेशन मैंने इसके नीचे इस तरह से लिखी इक्वल टू 34। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में हमने इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया, ठीक है ना, जिसमें हम इलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं इन दोनों को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए उसके लिए हमें एक एक कोफिशिएंट चेक कर रहे हैं, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, और उन दोनों के साइन भी अलग करने होते हैं हमें, तो साइन अलग करने के लिए हम सब्ट्रैक्ट लिखते हैं, नीचे वाली इक्वेशन के सारे साइन बदल देते हैं। देखिए यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो गया, ये 34 भी प्लस का था माइनस हो गया, अगर कोई टर्म माइनस का होता तो वो प्लस हो जाता है। ठीक, अब इसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए ये 2a प्लस का हो गया, ये माइनस हो गया, अब ये हट जाएंगे, तो पूरी जो इक्वेशन है ना हमारी ये तो हट गया, सिर्फ इतनी इक्वेशन देखे डी डी में रहेगी, तो हमारे में डी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, माइनस का 16d प्लस का 60 कितना बचेगा, माइनस का 10d बचेगा, ये प्लस का 14 है, ये माइनस का 34 है, माइनस का 34 कितना बचेगा, माइनस का 20, माइनस है माइनस हट जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी 20 और अपॉन में आ जाएगी 10, 0 से 0 कट जाएगा, डी की वैल्यू कितनी आ गई 2। इस वाली एपी का कॉमन डिफरेंस हमारा 2 आ गया, इस 2 को किसी भी इक्वेशन में 1 में या 2 में पुट कर दीजिए, एक ही वैल्यू फाइंड हो जाएगी। पहली वाली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, देखिए 2a हमारा ऐसी रहेगा, d की जगह सिर्फ हम 2 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2a plus 6 multiply 2 और इक्वल टू आ जाएगा हमारा 14। ठीक, 2a plus 12 इक्वल टू 14, ये 12 राइट साइड में जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 2a equal to 2, a की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। ठीक है, इस वाली AP का पहला टर्म हमारा 1 आ गया। अब हमें n टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d। n टर्म्स कहा गया तो n की जगह n ही रहेगा और हमारा आंसर n में ही आएगा, तो n by 2, 2 मल्टीप्लाई a की जगह हमने 1 पुट कर दिया, प्लस n माइनस 1 और इंटू डी, डी की जगह हमने 2 पुट कर दिया, तो n बाई 2 ऐसी रहा, 2 वन जा 2 प्लस 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दिया 2n माइनस का 2, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ कितना बचेगा n बाई 2 मल्टीप्लाई 2n
इस टू से टू भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा एन स्क्वायर। इस वाली एपी का एन टर्म्स का जो सम आ जाएगा ना वो एन स्क्वायर आ जाएगा। एन टर्म्स कहा गया था ना, इस वजह से हमारा एन के टर्म्स में ही इसका आंसर आएगा।